नो सदासि तदानीं नासि द्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था अकबर की कामयाबी वाकई हैरत अंगेज है। उसने उत्तर और मध्य भारत की मुख्तलिफ इकाइयों को एकता के सूत्र में पिरोया। उसके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने उसके बनाए ढांचे को कायम रखा और उसकी पैरवी भी की। ये दोनों किसी गैर मामूली काबिलियत के हुक्मरान नहीं थे, फिर भी उनके अहद हुकूमत कामयाब रहे क्योंकि जो दस्तूर अकबर ने कायम किया था उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया। उनके बाद आया औरंगजेब, इन दोनों से ज्यादा लायक लेकिन एक अलग ही सांचे में ढला हुआ। उसने अपने लिए नया रास्ता इख्तियार किया और अकबर के विरसे को खाक में मिला दिया। हुजूर, गोलकुंडे के हाकिम कुतुबुल मुल्क की वालिदा हुजूर से मुलाकात के लिए तशरीफ लाई है। क्या आपका बेटा माफी मांगने के लिए तैयार है? शहजादे, मुझे कुतुबुल मुल्क की नादानी पे अफसोस है। मेरी दरख्वास्त है कि गोलकुंडा से मुगल फौजें हटा ली जाएं, ताकि मेरी रियाया एक बार फिर से अमन अमान की जिंदगी गुजारने लगे। क्या आप जानती हैं कि गोलकुंडा का मुहासरा क्यों किया गया है? जी हाँ, हमारे नमक हराम वजीर आजम मीर जुमला की शिकायत पर आलमपना शाहजहां ने यह कदम उठाया है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। गोलकुंडा के हुक्मरानों ने हमेशा ही मुगलों का साथ दिया है। लेकिन कुतुबुल मुल्क क्या कर रहा है? क्या उसने बीजापुर के आदिल शाह के साथ मिलकर मुगल फौजों पर हमले नहीं किए हैं? क्या उसने पिछले 3 साल से मालगुजारी भेजी है? क्या हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद उसने मीर जुमला के बेटे मोहम्मद अमीन को रिहा किया है? हम तमाम मालगुजारी देने और अमीन को रिहा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप कुतुबुल मुल्क को भी हमारे हवाले करने के लिए तैयार हैं? एक बूढ़ी माँ को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए शहजादे।
उसे माफ कर दीजिए। माफ करने वाला खुदा है या आला हजरत? हम हरजाना अदा करने को तैयार हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी हुजूर को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, आप मेरी बुजुर्ग हैं, मुझे कत्ल खून पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ। लेकिन लेकिन गोलकुंडा को 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा। हमारी रियासत बहुत छोटी है शहजादे। लेकिन हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। जुर्माना नकदी, जवाहरात और हाथियों की सूरत में अदा किया जा सकता है। आपको मंजूर है? इसके अलावा चारा भी क्या है? खास्ता कोई बुरी खबर है बेटे? नहीं मामू, फरमान है कि मुहासरा फौरन खत्म कर दिया जाए और मुगल फौज वापस लौट जाए। शायद आला हजरत को मालूम नहीं हुआ है कि कुतुबुल मुल्क ने हमारी सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं। यह फरमान आला हजरत ने नहीं भिजवाया है, यह दादा भाई दारा शिकोह ने भिजवाया है। हमें खबर मिल चुकी है कि कुतुबुल मुल्क का सफीर मुल्ला अब्दुस समद दादा भाई के पास पहुंच चुका है। मुझे यकीन था कि मुझे जलील करने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अगर इस फरमान पर अमल भी किया जाए तो लोगों को क्या बताया जाएगा? हम क्यों बगैर किसी वजह के कुतुबुल मुल्क को उसकी रियासत वापस कर रहे हैं? हुक्म पे अमल तो करना ही पड़ेगा आकिल खान, वरना शाहजादा औरंगजेब के इरादों को गलत समझा जाएगा। आला हजरत और औरंगजेब के दरमियान गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। बढ़ चुकी हैं। उस बदनियत शहजादे ने जो अपने को वली अहद समझता है, आप जानते हैं कि उन्होंने आला हजरत को क्या समझाया है? कि कुतुबुल मुल्क से हमने लातादाद हीरे और सोने के बर्तन ले लिए हैं। आपको ये कैसे मालूम हुआ? इस फरमान का आखिरी हिस्सा है कि वो तमाम जवाहरात और सोने के बर्तन जो हमने कुतुबुल मुल्क से हासिल किए हैं और जिसकी इत्तला हमने दरबारे दिल्ली को नहीं दी है, उसे फौरन शाही खजाने में जमा करा दिया जाए। मामू, ये आपकी जिम्मेदारी है कि शाही फरमान का एक एक लफ्ज अमल में लाया जाए। सर झुकाने की जरूरत नहीं है आकिल खान, हर रात के नसीब में एक सवेरा होता है, हमारा भी वक्त आएगा और उस वक्त दारा शिकोह की एक एक साजिश का हिसाब किया जाएगा। और कुछ पूछना है शहजादे? हाँ बाबा, चांद की रोशनी क्या है, उसकी सफेदी का राज क्या है, काला दाग क्या है? चांद में कोई रोशनी नहीं होती, वो तो एक बेजान चीज की तरह है जिसे सूरज की किरणें रोशन करती हैं। चांद की सफेदी समंदर का अक्स है और काला दाग धरती की छाया। बाबा, अगर चांद में अक्स दिखाई दे सकता है तो सूरज में क्यों नहीं दिखाई देता? सूरज आग के गोले की तरह है शहजादे, और चांद पानी के गोले की तरह। छाया तो पानी में दिखाई देती है, आग में नहीं। हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, यह कब से शुरू हुई है? मूर्ति पूजा श्रद्धा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई। जो सत्य को जानता है उसे प्रतीक की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो अपने भीतर छिपे सत्य को नहीं पहचानता वो आकृति से जुड़ा रहता है। जैसे बिन ब्याही लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं मगर शादी के बाद छोड़ देती हैं। जब तक बातिन की हकीकत मालूम न हो जाए आदमी जाहिर से जुड़ा रहता है। एक बार अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ कि वह प्रत्यक्ष को त्याग देता है। खालिक और मखलूक में फर्क क्या है? बनाने और बनने वाले में रिश्ता क्या है?
बाबा यही सवाल मैंने एक और बुजुर्ग से पूछा था, उसका जवाब था बनाने और बनने वाले में वही रिश्ता है जो बीज और पेड़ के बीच होता है। क्या यह सच है बाबा? खालिक यानी कि रचयिता तो समंदर की तह है शहजादे, और रचना पानी से भरा प्याला। पानी वही है मगर जो फर्क समंदर और प्याले में है वही रचना और रचयिता में होता है। आत्मा और परमात्मा क्या है? क्या आत्मा परमात्मा में मिल सकती है? शहजादे शराब पानी से बनती है मगर जमीन पर डाल दी जाए तो उसकी सारी मिलावट सारा नशा रंगत मिट्टी के ऊपर ही रह जाती है। सिर्फ पानी धरती के अंदर जाता है और फिर एक बार फिर निर्मल जल बन जाता है। मनुष्य की आत्मा अगर पंच तत्वों को छोड़ दे तो परमात्मा में मिल जाएगी। बाबा आसमान एक है मगर आंखें दो, ऐसा क्यों? लेकिन दोनों आंखें एक ही चीज देखती हैं शहजादे। इसका मतलब ये कि हक और सदाकत किसी एक मजहब की मिल्कियत नहीं है? हाँ शहजादे, सत्य सत्य है, देखने वाला चाहे कोई भी हो। बाबा खबर आई है आला हजरत की तबीयत बहुत खराब है। परमात्मा बादशाह सलामत को अपनी शरण में रखें। हकीम चचा, आला हजरत को होश क्यों नहीं आ रहा है? बेहोश रहें तो अच्छा है वरना तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होगी। हकीम साहब, खुदा नखास्ता आला हजरत का मर्ज ज्यादा खतरनाक है क्या? गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं मलिक जीवन, अगर पेशाब नहीं हुआ तो आला हजरत। हकीम चचा, आप आला हजरत के पास ही ठहरिए। बेहतर। अगर यह खबर शहजादा बुलंद इकबाल के दुश्मनों तक पहुंच गई तो बुरा होगा। हमारे दुश्मन कौन है? यह आप चंपत राय से पूछ सकते हैं। गोलकुंडा और बीजापुर से जो कुछ मिला है उसे फौज भर्ती की जा रही है और हथियार बनवाए जा रहे हैं। औरंगजेब ने तुम्हारी रियासत जब्त कर ली है इसलिए तुम उसके खिलाफ हो। शहजादा बुलंद इकबाल को मालूम है ना कि बहुत से बुंदेले शहजादा औरंगजेब की फौज में भी हैं। अगर हुक्म हो तो अपने भतीजे को पेश करूं जो कल ही दक्कन से लौटा है। गुलाम की राय है कि आला हजरत की बीमारी की खबर दक्कन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बंगाल और गुजरात भी नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भाई सुजा और मुराद बख्श भी। हुजूर को शायद याद होगा जब आला हजरत ने आपके वली अहद सल्तनत होने का ऐलान किया था और 1 करोड़ रुपए का सालाना वजीफा मुकर्रर किया था, उस वक्त तीनों शहजादों में से किसी एक ने भी आपके पास मुबारकबाद नहीं भेजी थी, नजर भी नहीं गुजारी जो उनका फर्ज था। मगर आला हजरत की बीमारी को छुपाया कैसे जा सकता है? दरबार में औरंगजेब, सुजा और मुराद तीनों के सफीर मौजूद हैं। अब तक तो वो ये खबर भेज भी चुके होंगे। खबर भेजी गई थी लेकिन डाक के घोड़ों को जमुना के पुल पर ही रोक लिया गया। हाँ, अगर आप इजाजत दें तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। नहीं, आपने अच्छा किया। जब तक आला हजरत को होश नहीं आ जाता है कोई भी खबर इस किले के बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे ख्याल से वजीरों और अमीरों को भी रोक देना चाहिए। आला हजरत के दर्शन करके कोई गलत बात भी कर सकते हैं। अजीजों और रिश्तेदारों को तो रोका ही नहीं जा सकता। उन्हें तो हुजूर खुद रोक सकते हैं। ए, कौन है तुम लोग और किसके सिपाही हो? अरे घोड़े से नीचे उतर के बात कर माटी मिले, जानता भी है पालकी में कौन है। कौन है? शहजादी रोशन आरा बेगम साहिबा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे खाला, चलिए। खाला होगी तेरी माँ, मुंह जले। चलो रे पालकी वालों, चलो। आए हैं खाला वाले। चलो खाला, देखो तो। बैठिए आपा, आपके पैगाम ने तो हमें परेशान कर दिया था। बात ही ऐसी है जो खत में नहीं लिखी जा सकती थी। कहिए। औरंगजेब, हमारे आला हजरत इस दुनिया से जा चुके हैं। या अल्लाह, तेरी खैर। भाई दारा इस खबर को छुपाए हुए हैं
जबकि दिल्ली में सबको मालूम हो चुका है। लेकिन यहाँ तो कोई इत्तला नहीं आई। दिल्ली के सब दरवाजों पर पहरा है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के 30,000 राजपूत हर रास्ते में निगरानी कर रहे हैं। मैं जियारतों के बहाने यहाँ निकल कर आई हूँ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। खुदा आला हजरत को जन्नत में जगह दे। आमीन। पता नहीं दारा भाई ने आला हजरत की मैयत के साथ क्या सलूक किया होगा। दारा भाई पागल हो चुके हैं। एक गुलाम को जिसकी सूरत आला हजरत से मिलती है, दर्शन के लिए झरोके में बिठा दिया। और जब मैं वहां से आ रही थी तो खबर मिली कि आला हजरत को आबो हवा बदलने के लिए आगरा ले जाया जा रहा है। आला हजरत को या उनकी लाश को? लगता है दारा भाई अपनी तख्त नशीनी का ऐलान आगरा से ही करेंगे। ये इत्तला भाई सुजा और मुराद को पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहले सोच लो कि इत्तला मिलने पर कौन किसका साथ देगा। शहजादा औरंगजेब का। हजरत जी, कुतुबुद्दीन खां, शहबाज खां, भाई औरंगजेब ने बहुत बुरी खबर भेजी है। आला हजरत का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह। और दादा भाई ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। और आपको इंतकाल की खबर भी नहीं थी? मौत को अभी तक राज ही रखा गया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इस राज को तब तक राज ही रखा जाएगा जब तक गुजरात, बंगाल और दक्कन पर दारा शिकोह का कब्जा नहीं हो जाता। तो क्या हुजूर मुगल फौज दिल्ली से कूच कर चुकी है? मालूम नहीं। शहजादा शुजा बहुत दूर है, औरंगाबाद भी बहुत दूर है, इसलिए पहला हमला हम पर ही होगा। क्या हम मुकाबला कर सकेंगे? मुकाबला? मुकाबला तो तब होगा हुजूर जब वजीर आजम अली नकी खान चाहेंगे। क्या बक रहा है? क्या हुजूर नहीं जानते कि अली नकी खान शहजादा दारा शिकोह का मुरीद है हुजूर, और आप पर नजर रखने के लिए ही उसे यहाँ भेजा गया है। शाहबाज खान ठीक कह रहे हैं हुजूर, अली नकी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर मैं दादा भाई से मुकाबला ना करूं, उन्हें अपना बादशाह मान लूं तो? काश आला हजरत की जिंदगी में ही यह फैसला हो जाता तो हकदार को उसका हक तो मिलता। तुम उससे साफ साफ बात कर। हुजूर, सारी दुनिया जानती है कि वली अहद दारा शिकोह को हुकूमत से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस औलिया, पीर, फकीर और हिंदू जोगियों और सन्यासियों के बीच में बैठे रहते हैं हुजूर। और शहजादा शुजा तो और भी भोले हैं, उनका तो सियासत से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। इसीलिए हुजूर दिल्ली छोड़कर दूर बंगाल में डेरा जमाए बैठे हैं। और शहजादा औरंगजेब बहुत ही बहादुर और काबिल मगर सख्त मिजाज हैं। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त को भी माफ नहीं करते हुजूर। इसीलिए मैंने हुजूर से अर्ज किया था कि आला हजरत के रहते अगर किसी बात का फैसला हो जाता हुजूर, तो ताज हुजूर के सर पर होता। हाँ, हमारे साथ ना इंसाफी तो हुई है। जान के अमाल पाऊं तो कुछ अर्ज करूं हुजूर? हाँ हुजूर, आप अपनी हुकूमत का ऐलान कर दीजिए। शहजादा औरंगजेब और शहजादा शुजा दोनों आपका साथ देंगे। हुजूर, मैंने तो नजूमी से मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अगर हुजूर इस मुबारक घड़ी पर अपनी ताजपोशी का ऐलान कर सकें, तो सारे हिंदुस्तान पर हुजूर की हुकूमत होगी। हाँ, और अली नकी। क्या है? अरे बदतमीजो, नामा कुनो कहाँ लिया जा रहे हो? अली नकी,
जब एक नौकर अपने आका से गद्दारी करे तो उसकी क्या सजा होती है? लेकिन मैं सवाल का जवाब दे। लेकिन गद्दारी साबित होने के बाद ये रहा तेरी गद्दारी का सबूत। नमक हराम, तू मेरा नौकर होकर दारा को वफादारी का यकीन दिलाता है। ये साजिश है शहजादे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके पीछे कुतुबुद्दीन और शहबाज खां का दिमाग है। क्यों, उन्हें तुमसे क्या दुश्मनी? हर लालची ईमानदार का दुश्मन होता, हर झूठा सच्चे का दुश्मन होता, और हर एक नमक हराम वफादार का दुश्मन होता। अली नकली, तुम मेरे वजीरों की तौहीन कर रहा है। इनकी तौहीन से पहले आपको अपनी तौहीन की फिक्र होनी चाहिए शहजादे। जो हाकिम दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क नहीं कर सकता, उसकी इज्जत उतरते हुए देर नहीं लगती। जलील गद्दार, शहजादे ये वफादार सिपाही का खून है, इसकी कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी होगी। याली शुभ घड़ी आ गई महाराज, बधाई हो। नजरे बस से बचाए। शहंशाह मुराद, शहंशाह मुराद, शहंशाह मुराद। लिखो मेरे अजीज भाई शहजादे मुराद, ये वक्त अपनी छोटी छोटी रियासतों में बादशाह बनकर जश्न मनाने का नहीं है। हमारे बुजुर्ग हजरत बाबर और दादा शहंशाह अकबर ने हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत का जो ख्वाब देखा था वो टूटने वाला है। आला हजरत शाहजहां की मौत के बाद हिंदुस्तान के तख्त पर एक ऐसा शख्स कब्जा करने की ताक में है जो सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी कमजोर है, दुश्मन दीन मुबीन है। जरा सोचो, अगर दारा दिल्ली के तख्त पर बैठ गया तो मुल्क का और मुगलों की इज्जत और शोहरत का क्या अंजाम होगा? यह वक्त अपना अपना फायदा देखने का नहीं है बल्कि इत्तेहाद का है। वल्लाह मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि तुमने गुजरात और भाई शुजा ने बंगाल में अपनी अपनी हुकूमतों का ऐलान किया है। ऐसा ऐलान दक्कन में मैं भी कर सकता हूं, मगर उससे फायदा हमें नहीं दारा शिकोह को पहुंचेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का बादशाह वही तस्लीम होगा जो दिल्ली में लाल किले के तख्त पर बैठेगा। अगर हम दारा को अपने रास्ते से हटा सकें तो यह फैसला मुश्किल नहीं होगा कि शहंशाह शाहजहां का वारिस कौन होगा। अगर हम किसी फैसले पर ना भी पहुंचे तो बगैर लड़ाई झगड़े के बंटवारा किया जा सकता है। मैं तुम्हें अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध और सिंध से लगा हुआ सारा समंदरी इलाका देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें हक होगा कि तुम अपने नाम का सिक्का जारी कर सको और खुतबे में भी तुम्हारा नाम लिया जाए।
अजीज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना ही है, सल्तनत की बहबूदी और दुश्मनों का खात्मा, और सताई हुई रैयत को सुख और चैन नसीब हो। अगर तुम मेरे भाई और साथी की हैसियत से मेरा साथ दो तो हमारा ये इत्तेहाद बाकी रहेगा। तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त होंगे, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे, ये मेरा वादा है और अल्लाह इस बात का गवाह है। इसी मजमून का एक खत भाई शुजा को भी लिखो। खुश रहो, जितनी खिदमत तुमने की है किसी औलाद ने नहीं की। हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे जहां आरा। खुदा हुजूर को सलामत रखे, यही कनीज का इनाम है। जीती रहो। शहजादा बुलंद इकबाल कहाँ है? सवेरे से वजीर आजम मीर जुमला के साथ दीवाने खास में है। खबर भिजवाती हूँ कि हुजूर याद फरमा रहे हैं। हुजूर, शहजादा बुलंद इकबाल तशरीफ ला रहे हैं। बहुत लंबी उम्र होगी, हम अभी याद ही कर रहे थे तो तुम खुद आ गए। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जहां बना बाजी, आप रुक जाइए, ये खबर आपके सुनने की भी है। हुजूर, बेखौफ होकर कहो। शुजा ने बंगाल और मुराद ने हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ऐलान कर दिया है। हमारी जिंदगी में उन्हें यकीन है, खुदा ना खासा हुजूर गुजर चुके हैं और मैं इस खबर को छुपा रहा हूं। बदनसीब शहजादे, जानते नहीं बगावत की सजा क्या होती है। औरंगजेब ने सुजा और मुराद दोनों को अपनी तरफ मिला लिया है। खबर मिली है कि दक्कन की फौजें आगरा की तरफ रवाना होने वाली हैं। वो नालायक हम पर हमला करेगा। जहां बना, अंधी सियासत किसी रिश्ते को नहीं देखती है। या अल्लाह, तमाम अमीर आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। हम क्या हुक्म दे शहजादे? क्या मुगलों ने हिंदुस्तान को इसलिए अपना वतन बनाया था कि लड़ाइयों के जरिए बर्बाद कर दिया जाए? क्या मुगल फौज को हुक्म दे कि दुश्मनों के मुकाबले के बदले आपस ही में लड़े? औरंगजेब और मुराद के सिपाही भी तो हमारे सिपाही हैं। हम अपने ही सिपाहियों की तबाही कैसे देख सकते हैं? औरंगजेब शुरू से नाफरमान रहा है। ये नाफरमानी किसी गलत फहमी का नतीजा भी हो सकता है। तख्तो ताज का लालच भी हो सकता है आला हजरत। अगर शहजादों को यकीन दिला दिया जाए कि हम जिंदा हैं और शहजादा बुलंद इकबाल ने हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है तो ये फितना ही खत्म हो सकता है। जहां पना, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब वो मानने को तैयार हो। वो मान लेंगे। हम अपनी तरफ से शुजा औरंगजेब मुराद बख्श को खत लिखेंगे और अपने वजीरों के सफीर बनाकर भेजेंगे। शुजा और मुराद बख्श तो शायद मान ले, मगर औरंगजेब? जी जहां पना, उसे पैगाम लेकर वजीर आजम मीर जुमला जाएंगे। ये खत आला हजरत ने लिखा है? जी हां। आपके सामने? जी नहीं।
लेकिन शहनशाह ने फरमाया था कि वो खुद लिखेंगे। आप आला हजरत से मिले थे? जी हाँ। मीर साहब, हिंदुस्तान के वजीर आजम बनने से पहले आप क्या थे? शहजादे, आपकी जबान से एक बुजुर्ग की बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता। क्या आप गोलकुंडा के कुतुबुल मुल्क के वजीर नहीं थे? था। गोलकुंडा के सुल्तान ने कभी मुगल हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तो फिर आप मुगलों के साथ कैसे हो गए? क्या आप मुगलों के वफादार हैं? हुजूर, मैं यहां पर शहंशाह के सफीर की हैसियत से हाजिर हुआ हूं। मेरा फर्ज है कि मैं आपसे जवाब लूं और चला जाऊं। आप झूठ बोल रहे हैं। आला हजरत जिंदा नहीं है और यह खत भी नकली है। आपको उस मुलहिद बेदीन दारा शिको ने भेजा है, और खास तौर से आपको इसलिए भेजा है क्योंकि आप दक्कन के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। आज भी आपके यहां बहुत से दोस्त मौजूद हैं, और आपको मालूम है कि हमारी फौज में आधे से ज्यादा सिपाही दक्कनी है। आपकी जरा सी कोशिश उन्हें बगावत पर आमादा कर सकती है, मगर मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। हुजूर, मैं फिर एक बार अर्ज करूंगा, मैं यहां एक पैगाम लेकर आया हूं, उसका जवाब लेकर वापस चला जाऊंगा। मैं हुजूर की फौज में बगावत फैलाने नहीं आया हूं। आप जानना चाहते हैं कि दारा के खत का जवाब क्या है? कोई है? सैयद मीर जुमला, वजीर आजम हिंदुस्तान, हमारे मेहमान रहेंगे, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुजूर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं मीर जुमला, यह दारा को मेरा जवाब है। ले जाओ। यह अच्छा नहीं हुआ सुल्तान अली। अगर मीर जुमला की बात सच निकली तो ना सिर्फ उन्हें बहाल किया जाएगा बल्कि इनाम और इकराम से नवाजा भी जाएगा, मगर सच्चाई मालूम होने से पहले उन्हें वापस आगरा नहीं भेजा जा सकता। आकिल खान से कहो कि मालूम करे मुराद बख्श अहमदाबाद से रवाना हुए या नहीं। मीर जुमला को गिरफ्तार कर लिया गया शहजादे। मुझे मालूम है। शहनशाह के सफीर की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि औरंगजेब को कोई गलतफहमी नहीं, वो जानबूझकर फौजें जमा कर रहा है, उसने बगावत कर दी है। इसमें बुराई क्या है बाजी? उसे बादशाह बना दिया जाए। क्या कह रहे हो तुम? वली है तू हो, बादशाह नहीं बनना है? हर वलीहद का बादशाह बनना जरूरी तो नहीं है बाजी। इस हिसाब से हुकूमत आला हजरत को नहीं चाचा खुसरो को मिलनी चाहिए थी, जो दादा जहांगीर के बड़े बेटे और वलीहद थे। अगर तुम अपने अंदर इतनी ताकत नहीं पाते कि एक बागी का मुकाबला कर सको, तो वाकई तुम्हें कोई हक नहीं कि हजरत बाबर और अकबर आजम के तख्त पर बैठो। आप समझती हैं कि मैं हजरत बाबर और दादा अकबर जैसा बादशाह बन सकूंगा? बाजी, आप जानती हैं इसकी क्या कीमत होगी? हमारे खानदान में जो भी बादशाह बना है उसे भाइयों की लाशों को पार करके ही तख्त हासिल हुआ है। इस बात का जवाब तुम खुद मुझसे बेहतर दे सकते हो। शायद मैं औरंगजेब से बेहतर बादशाह बन सकता हूं, क्योंकि मैं तुर्कों, अफगानों और राजपूतों में कोई फर्क नहीं करता। मैं हाकिम को कौम और मजहब की पाबंदियों से बुलंद समझता हूं। औरंगजेब का झुकाव मजहबी कट्टरपन की तरफ है, और वो मजहबी रवादारी की कमजोरी समझता है। मगर कमजोरियां मुझमें भी हैं बाजी। मुझे सियासी जोड़ तोड़ नहीं आता, मैंने कोई जंग नहीं लड़ी। इल्म की तलाश, खुद को समझने की कोशिश मुझे एक कामिल फकीर तो बना सकती है, एक कामयाब बादशाह नहीं। हुकूमत नफरत की बुनियाद पर खड़ी नहीं होती शहजादे, और औरंगजेब सिर्फ नफरत करना जानते हैं, हमसे, तुमसे, आला हजरत से। बाजी, आप ये दुश्मनी में कह रही हैं। तुम हमें मायूस कर रहे हो शहजादे। कहीं ऐसा ना हो कि मुगल रवायात की यह शानदार इमारत ईंट ईंट होकर गिर जाए। आप चाहती हैं कि मैं मुकाबला करूं? आला हजरत भी यही चाहते हैं। ठीक है, मैं करूंगा,
मुगलों की हुकूमत को बचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को औरंगजेब से बचाने के लिए। कोई है? जी हुजूर। मैं महाराजा जसवंत सिंह से अभी मिलना चाहता हूं। बेहतर है हुजूर। फौजें तैयार हैं मुराद? हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल हमें आगरा के लिए कूच करना चाहिए। हुजूर, महाराजा जसवंत सिंह वाले जोधपुर तशरीफ ला रहे हैं। मुझे मुराद बख्श के साथ देखकर तुम्हारी हैरानी वाजिब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शाही आदाब भूल जाएं। गुलाम आदाब बजा लाता है। आप किसके हुक्म से अपनी रियासत छोड़कर यहां आए? जहां पनाह का यह हुक्म है कि आप अहमदाबाद लौट जाएं। और हमारे लिए क्या हुक्म है? आप भी यहां होंगे, यह मुझे अंदाज न था। अगर मैं वापस अहमदाबाद ना जाऊं तो? गुलाम अर्ज कर गया कि इतना बताओ कि अगर मुराद बख्श वापस ना जाए तो क्या तुम अपनी फौजी ताकत से उसे रोकोगे? जहां पनाह का यही हुक्म है। ये तो ज्यादती होगी राजा साहब। दो बेटे अपने बीमार बाप को देखने जा रहे हैं, आप उन्हें रोकेंगे? सुल्ताने आलिया, जहां पनाह का हुक्म है कि आपको आगरे ना पहुंचने दिया जाए। क्या जहां पनाह हमसे डरते हैं? मेरी ये दरख्वास्त है हुजूर कि दोनों शहजादे अपनी अपनी रियासत को लौट जाएं। और अगर ऐसा ना हुआ तो आप जंग करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी राजा जसवंत सिंह, काश तुम हमारी तरफ होते। हुजूर, एक राजपूत सरदार की वफादारी का इम्तिहान न ले। इम्तिहान आज नहीं, कल होगा जसवंत सिंह, जंग के मैदान में। हमने तो पहले ही कहा था, भाई भाई से लड़ेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों को हमारे पास आने देते, हम दोनों के इख्तियारात को खत्म कर देते, ये मोर्चा बंदी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। आला हजरत, मुराद अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर चुका था, औरंगजेब फौजें लेकर आगे बढ़ रहा था। अगर उसे रोका ना जाता तो हमें बुज़दिल कहा जाता। धर्मत की लड़ाई के बाद, जिसमें जसवंत सिंह के 6,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए, हमें क्या कहा जाएगा? तारीख हमारे बारे में क्या लिखेगी? तारीख बदल भी सकती है, इंशाअल्लाह बदलेगी भी। मैं खुद मुकाबले के लिए जाऊंगा और फतेहयाब होकर आऊंगा। जब तुम फैसला ही कर चुके हो तो जाओ। अब हमारे पास अलविदा कहने ही के लिए आना। जाओ। हमारी रूह हो शहजादे, रूह को जिस्म से अलग करना बहुत मुश्किल काम है। हुजूर, कामयाबी की दुआ फरमाएं, अब तख्त या ताबूत का फैसला होगा। अल्लाह ने चाहा तो फतेह तुम्हारी हो। खुदा हाफिज बाजी। हाफिज। यमानुल्लाह। शाहजहां के दौर में मुगल शान और शौकत बुलंदी पर थी, साथ में जवाल के भी आसार नुमाया होने लगे। तानाशाही का बोलबाला था,
दरबार में साजिशों और मौका परस्ती का जाल फैल चुका था। अकबर की उदारता, फराख दिल्ली और कुशल शासन व्यवस्था गुजरे जमाने की यादें बनकर रह गईं। हालात बद से बदतर होकर मुसीबत को बुलावा दे रहे थे। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।